यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले फरीदाबाद से है, जहां पर कबाड़ के गोदामों में आग लगी है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से, कबाड़ के गोदामों में आग लगी है। देर रात को ये आग लगी थी और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। सरूरपुर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त फरीदाबाद से, जहां पर कबाड़ के गोदामों में आग लगी है और देर रात को ये आग लगी थी। इसके साथ ही अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सरूरपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त, जहां पर कबाड़ के गोदामों में आग लगी है। काफी नुकसान इस आग से बताया जा रहा है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और साथ ही 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हैं और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और साथ ही कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। इसके साथ ही सरूरपुर इलाके की यह पूरी घटना है फरीदाबाद के सरूरपुर की। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संजय गुप्ता हमारे संवाददाता फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है जिसके कारण कबाड़ के गोदाम में आग लगी है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि कबाड़ के गोदाम में आग लगी है फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में, जहां पर 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भी पहुंच रही और साथ ही आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देर रात को यह आग लगी थी और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर यह आग लगी है। और साथ ही यहां पर आग को बुझाने के लिए 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता, किस वजह से आग लगी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि रात को 9:30 बजे के आसपास जब जोरदार फरीदाबाद में आंधी चली थी, तो उसके तुरंत बाद इस फैक्ट्री में आग लग गई। और आग लगने का जो कारण बताया जा रहा है, वो अभी पहली बार देखने में शॉर्ट सर्किट का मामला लगता है। मौके पर 50 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन रात से लेकर अभी तक आग लगातार बढ़ती जा रही थी, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी अवंतिका, अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है? जी, अभी तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया गया है। कहीं कहीं रहकर बार बार आग दिखाई दे रही है फैक्ट्री में। संजय, कितना नुकसान इस आग से बताया जा रहा है अभी? जी, अगर नुकसान की बात करें तो लाखों रुपए का नुकसान है, लेकिन अगर जान की बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि किसी भी प्रकार की कोई जानहानि हुई है। लेकिन आर्थिक मामलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान फैक्ट्री मालिक को है। बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। तो जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर माल जो का नुकसान जो है वो जरूर हुआ है। लाखों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। आग पर अभी तक भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी कल देर रात को और साथ ही अभी तक यहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बता दें कि मौसम जिस तरह से बिगड़ा था बीती रात को, और ऐसे में उसी के कारण जो है यहां पर आग किसी कारणवश लगी। कबाड़ के गोदाम में आग बताई जा रही है, जहां पर आग कितनी ज्यादा थी ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और साथ ही इस बात से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 50 गाड़ियां मौके पर भी पहुंची, लेकिन अभी तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है।